विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा, मतलब ऐसे मैं अभिनेत्री अनुष्का शर्मा बोलती, लेकिन विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने उनको एक बहुत लंबा प्रेम पत्र लिख दिया है इंस्टाग्राम पर, अंग्रेजी में लिखा है, तस्वीरों के साथ उन्होंने इसे पोस्ट किया है, तो इसे जरा मैं पढ़ दूं। उन्होंने लिखा है कि यू ब्यूटी, यू फ्रीकिंग ब्यूटी, यू हैव ब्रॉट सो मच जॉय इन पीपल्स लाइव्स टुनाइट एंड दैट टू ऑन द ईव ऑफ दीपावली, यानी कि क्या खूबसूरत पारी आपने खेली और दीपावली के दिन को और ज्यादा रोशन कर दिया। यू आर अ वंडरफुल वंडरफुल मैन माय लव, योर गर्ल, योर ग्रिट, डिटर्मिनेशन एंड बिलीफ इज माइंड बॉगलिंग। मतलब वो मुझे लग रहा है कि वो भी अपने दोनों हाथ जोड़कर देख रही होगी मैच। और आखिर में उन्होंने लिखा कि आपकी जो दृढ़ता है, जो आत्मविश्वास है, वो बिल्कुल अकल्पनीय है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा मैच देखा है, मैं ये यकीन से कह सकती हूं। और भले ही हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है, ये समझ पाने के लिए कि क्यों उसकी माँ इस तरीके से नाच रही थी, इस तरीके से चिल्ला रही थी, एक दिन उसे समझ में आएगा कि उसके पिता ने अपनी जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ पारी उस रात खेली थी। और वो एक ऐसे दौर के बाद आया था जो कि उन पर बहुत मुश्किल था, लेकिन वो उससे बाहर निकले और मजबूती के साथ बाहर निकले, एंड वाइजर देन एवर बिफोर, यानी पहले से ज्यादा समझदार होकर निकले हैं। मुझे गर्व है आप पर, आपकी शक्ति अंतहीन है और मेरा प्रेम आपके लिए अंतहीन है। लव यू फॉर एवर एंड थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि किसी को कैसे भी हालात हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अच्छा, बड़ी बातें हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वेरी टचिंग है, बहुत अच्छा लगा। सोशल मीडिया से आसान भी होता है ना सर, फौरन आप लिख देते हैं अपने दिल के उद्गार, थॉट्स जो एकदम निकल कर आते हैं। तो अनुष्का शर्मा ने भी ये चिट्ठी लिखी है इंस्टाग्राम पे विराट कोहली के नाम पर, और मुझे लगता है कि ज्यादातर जो क्रिकेट के जितने भी हिंदुस्तान में फैंस है, वो सब इसके एक एक शब्द के साथ इस समय अपनी बात को रखना चाह रहे होंगे, क्योंकि जैसे सबके दिल की बात उन्होंने कह दी है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, एक समय ऐसा भी आया था जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी उन्हें किया जाता था, मतलब हंसी मजाक में भी और उस तरीके से भी, विराट कोहली भी उस समय खड़े रहे, लेकिन आज अनुष्का शर्मा भी कह रही है कि चाहे किसी भी तरह के हालात हो, मैं आपके साथ खड़ी हूं। और उसके साथ अब आप एक तरफ आतिशबाजी जो कि भारतीय जीत के लिए है, और दूसरी तरफ अयोध्या का वो अभी वो शांत आपको वातावरण दिख रहा है, जहां पर दीपों की जो पंक्तियां हैं, यानी दीपावली, वो आपको नजर आ रही है अयोध्या के राम की पैड़ी पर, सरयू घाट के नजदीक, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया है वहां पर मौजूद लोगों को। 17 लाख दीपों को एक साथ जलाकर एक नया कीर्तिमान रचने की वहां पर तैयारी है। जब से शुरुआत हुई थी 51,000 दीपों से अभी तक 17 लाख तक एक लंबा दौर चला है, एक साथ सभी दीपों को रोशन करना होता है, ये जरूरी होता है।